मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप करा नौवीं जमात की सहकत किरण किताब अज का अपना पाठ है जेतु अकल लतीफ। और इस पाठ के कवि हैं बाबा फरीद। ये जो है बाबा फरीद जी के श्लोक है। पहला इन्हों श्लोकों आप आसान शब्दों समझा, उस तो बाद इस पाठ के पिछे दिते हुए प्रश्नों के उत्तर अते होर व्याकरण का काम करांगे। पर इस तो पहला कि आप इस वीडियो में शुरू करिए, अगर तुहाडे विचों किसी ने मेरे चैनल में सबसक्राइब नहीं किया है तो इस नूं सबसक्राइब कर लो, ताकि जो भी इस तरह की कोई नवी वीडियो मैं पावां तो तुहानूं इसकी सूचना मिल सके अते तुसीं इस तों फायदा उठा सको। तो चलो शुरू करते हैं। अपना पाठ है फरीदा जेतु अकल लतीफ। इस विच बाबा फरीद जी दे श्लोक दिते हुए हैं। पहला श्लोक है, फरीदा जेतु अकल लतीफ काले लिखना लेख। इत्थे अकल दा अर्थ है बुद्धि, लतीफ दा अर्थ है बरीक या सूखम, काले दा अर्थ है माड़े, लिख दा अर्थ है करने और लेख का अर्थ है कर्म। अगे अपनड़े गिरवान में सिर नीवा कर देख। गिरवान का अर्थ है बुकस, मह का अर्थ है विच। बाबा फरीद जी इस श्लोक विच एक सूझवान मनुख नूं संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुख, जे तू बरीक अते सूखम अकल वाला है, बुद्धि वाला है, तां तू माड़े कर्म करके अपने चंगे कर्मां दा नाश ना कर। जेकर तू अपने ज्ञान दे हंकार विच आके दूसरियां दे उगना दी नुक्ता चिन्नी करदा है, दूसरियां बारे बुरा भुला कहना है, तो इस नाल तेरे अपने चंगे कर्म माड़े कर्मां विच बदल जाते हैं। इसलिए तू अपने ज्ञान दे आधार ते अपने मन अंदर झाती मार के देख कि तेरे अंदर किन्ने कु गुण हैं। तेरे अंदर भी बहुत सारे उगुण भरे हुए हैं। इसलिए दूसरों बारे बुरा भरा कहने तो पहला अपने अंदर मन अंदर झाती मार के देखना चाहिए है। जिस तरह कि अपने बुक्कर अंदर झाती मारन लई सिर नीवा करन दी लोड़ पैंदी है, उसे तरह अपने अंदर झाती मारन लई निम्रता धारण करनी पैंदी है, दूसरों बारे बुरा भला कहना बंद करना पैंदा है। अगला श्लोक है, देख फरीदा जो तिया दाढ़ी होई पूर। तिया दा मतलब गोरिया, पूर दा अर्थ है चिट्टी। अगे है, अगो नेड़ा आया पिछा रिया दूर। अगों दा मतलब है अगला समा या मौत दा समा। नेड़ा दा मतलब नेड़े, पिछा पिछा दा अर्थ है पिछला जीवन। इस दे अर्थ हैं फरीद जी मनुख नूं कह रहे हैं कि तू अपने जीवन विच देख की हो रहा है, हुण तेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, भाव हुण तेरे उपर बुढ़ापा आ गया है, हुण तेरा अगला समा बुढ़ापे तो बाद अगला समा मौत दा समा हुंदा है, तो हुण तेरा अगला समा मौत दा समा नज़दीक आ गया है, अते पिछला जो तेरा समा सी जीवन सी वो बीत गया है, वो दूर हो गया है, अते वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए तेनू अपने इस आखिरी समय विच परमात्मा दा गुणगान करना चाहिदा है अते उसकी भगती करनी चाहिदी है। अगे है, फरीदा जंगल जंगल क्या पवै वन कंडा मोड़े, बसी रब डालिए जंगल क्या ढूंढे। पवे मैंने घूमना वन मैंने जंगल, बसी मैंने बसदा है, डालिए मैंने हृदय विच, ढूंढे मैंने लभना। तब बाबा फरीद जी रब दी भाल विच
जंगल विच घूमन वाले अज्ञानी मनुख नू संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे अज्ञानी मनुख, तू जंगल जंगल विच परमात्मा की पाल विच क्यों घूम रहा है? उत्थे तू जंगल विच जंगलां दे कंडियां नू लताड़दा फिर रहा है। जंगल विच तेरा घूमना व्यर्थ है, उत्थों तेनू परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उत्थे तेरे शरीर नू ते मन नू कष्ट तां हुंदा है, पर उसका कोई फायदा नहीं। परमात्मा का जीवां दे हिरदे विच वसदा है, तेनू परमात्मा की प्राप्ति अपने हिरदे विचों ही होएगी। इसलिए जंगल विचों तेरा परमात्मा का लभना व्यर्थ है। अगला है, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, फरीदा देख प्राई चौकड़ी ना दर्शाए जियो। इस बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि अगर तेनू सादा भोजन मिला है ता उसनू खा के ही तेनू परमात्मा का शुक्र गुजार होना चाहिए है। अगर तेनू रुखी सुखी रोटी मिली है ता उसनू खा के ठंडा पानी पी के परमात्मा का धन्यवाद करते हुए तेनू संतुष्ट रहना चाहिए है। दूसरों की चौपड़ी हुई रोटी देख के तेनू अपने मन नू तरसाना नहीं चाहिए, अपने आप नू दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब नू अपने नसीब के हिसाब नाल मिलता है। उन्हों का नसीब उन्हों नाल है, तेरा नसीब तेरे नाल है। इसलिए अपना दूसरों नाल ईर्ष्या करनी छड के अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए है। अगला है, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहो ना उपजे सो तन जान नुकसान। सुल्तान का अर्थ है महान या बड़ा राजा, बिरहा का अर्थ है विछोड़ा, जे मैंने पैदा होना। तां फरीद जी कहते हैं कि बिरहा विछोड़े नू अक्सर ही निंदा जाता है, बुरा कहा जाता है, पर बिरहा ता एक महान चीज है, एक बहुत वड्डी चीज है, क्योंकि बिरहा जा विछोड़े कारण ही साडे मन विच अपने आप प्रति अपने प्रीतम नू प्राप्त करने प्रति तीव्र तांग पैदा होती है। असी उसनू याद करते हाँ अते उसनू प्राप्त करने लई साडे उसका याद करना, उसके विछोड़े विच दुखी होना एक बहुत वधिया गल है। अते जिस तन विच जिस शरीर विच बिरहा रूपी छोड़े का दुख पैदा नहीं हुंदा, उस अपने परम पिता परमात्मा नू या अपने नू प्राप्त करन दे लई कोई इच्छा या कोई नहीं रखता, ना ही उसकी कोशिश करता है। इसलिए अगर किसी दे शरीर विच बिरहा या विछोड़ा का दुख नहीं है तो वह तन या शरीर नुकसान दे समान है, उस विच कोई भी जान नहीं है। अगला है, फरीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयो के कम। इस विच बाबा फरीद जी कहते हैं कि हे मनुख, तेनू परमात्मा ने इत्थे अपना गुणगान करन लई अपने भगती करन दे लई अते चंगे कर्म करन लई भेजा सी, पर तू इत्थे दुनिया विच आके इस दी मोह माया विच फस गया है। दिन विच अठ पैर हुंदे हन, तां फरीद जी कहिंदे हन चार गवाया हंड के दिन दे चार पैर तू दुनिया विच घूम फिर के काम करके खा पी के गवा दिते हन। चार गवाया सम सामने सोना अते बाकी जो चार पैर है रात दे वो तू सो के गवा दिते हैं।
लेखा रबम गेसिया तू आयो केड़े काम। शास्त्री जी कहते हैं कि मौत तो बाद जो तेन परमात्मा के दरबार पेश आएगा तो तेरे तो हिसाब मंगया जाएगा, तेरे तो पूछा जाएगा कि तू दुनिया विच की काम करन लई गया सी अते की करके आया है। परमात्मा ने तेनू दुनिया चंगे कर्म करन लई, अपना भगती करन लई, नाम भजन करन लई भेजा है, पर तू दुनिया विच फस के रह गया है। अगला श्लोक है, बुढ़ा होया शेख फरीद कंबन लगी दे, से सौ वर्या जीवना भी तन हो सीखे। दे दा अर्थ है शरीर, खे दा अर्थ है मिट्टी। इस श्लोक बाबा फरीद जी शरीर की नाशमानता बारे अपने विचार प्रगट हुए, कहते हैं कि हम शेख फरीद या इंसान बुढ़ा हो गया है, बुढ़ा होने कारण उसकी देह उसका शरीर कंबल लग गया है, हुन उसके शरीर में पहले वर्गी जान नहीं रही है और पहले वर्गी ताकत नहीं रही है। से सो वरिया जीवना भी तन हो सीखे, तफरीद जी कहते हैं कि जेकर इंसान ने 100 साल भी जीना है ता भी उसके शरीर ने आखिर मिट्टी विच ही मिल जाना है, इस करके ये जो शरीर है ये नाशवान है। इसलिए शरीर की नाशवानता ध्यान में रखते हुए सानू उस परम पिता परमात्मा का गुणगान करना चाहिए है। हम आप करते हैं इस पाठ के पिछे दिते हुए प्रश्न। पहला है, मनुख को अपने नेक किहो जे नहीं बनाने चाहिए। इसका उत्तर है, मनुख को अपने लेख माड़े नहीं बनाने चाहिए। सानू अपने दूसरों दियाँ बुराइयां दूसरों के उगन देख के उन्हां दी निंदा या नहीं करनी चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए है, अपने कर्मां नू माड़ा नहीं करना चाहिए। अगला है, केड़ा समा नेड़े आ गया है। इसका उत्तर है, बुढ़ापे तो बाद हुण आन वाला मौत दा समा नेड़े आ गया है, इसलिए मनुख नू अपने परमात्मा दा गुणगान करना चाहिए है। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे दियां की निशानियां हन। इसका उत्तर है कि बुढ़ापे विच बाल अते दाढ़ी दे बाल चिट्टे हो जाते हैं, शरीर कंबन लगता है, शरीर विच पहले वर्गी जान नहीं रहती, इस तरह नाल दंद अते कन काम करना बंद कर देंगे, अखां की रोशनी घट जाती है, ये सारिया बुढ़ापे दियां निशानियां हैं। अगला है, मनुख जंगल विच किस नूं लभदा फिरदा है। इसका उत्तर है, मनुख जंगल विच अपनी अज्ञानता के कारण रब नूं लभदा फिरदा है, पर रब उस नूं जंगल विच नहीं मिल सकता, उसनों रब अपने हिरदे विच ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, रब कित्थे वसदा है। इसका उत्तर है, रब हर एक जीव हर एक मनुख दे हिरदे विच वसदा है, अते उत्थों ही उसनों उसकी प्राप्ति हो सकती है। अगला प्रश्न है, विरह तो की भाव है। इसका उत्तर है, विरह तो भाव है विछोड़ा, अपने किसी प्यारे तो या अपने परमात्मा तो विछोड़े नूं विरह कहा जाता है। अगे है, पाठ दे आधार से ठीक ते गलत दा निशान लाओ। पहला है, विरिया आ नूं सुल्तान नहीं आख्या गया है, गलत। दूसरा है, बुजुर्ग अवस्था शेख फरीदी दे कंबन लगी, सही। तीसरा, अपने अंदर झाती मारन की कोई लोड़ नहीं है, गलत। मनुख जंगल विच जानवरां नूं लभदा है, गलत। परमात्मा की लगन तो कोरा मनुख मुद्दे वांग हुंदा है, सही। अगे है, खाली थावां भरो। इसके उत्तर इधर बॉक्स विच दिते हुए है,
इन्ना विचों ही आपा करना है। प्रीत जी डैश विच विकार कुंभन तो वर्जदे हैं, वर्जदे मतलब रोक दे, इसका उत्तर है जंगला। दूसरा डैश रोटी वेख के जी नहीं तरसाना चाहिदा, इसका उत्तर है चोपड़ी। है रब वालों डैश रब वालों मंगया जाता है, इसका उत्तर है मन। चौथा है डैश प्रीत जी दे जन्म करके मशहूर है, इसका उत्तर है कोतवाल। और आखिरी है दुनिया में रह के डैश काम करने चाहिए हैं, इसका उत्तर है नेक। हम आप करेंगे समानार्थक शब्द बनाओ। पूरी पूरी का अर्थ होता है काफी, दोनों का मीनिंग सेम है, सेम अर्थ वाले शब्द बनाने हैं। दूसरा है बिरहा, बिरहा का अर्थ है बिछोड़ा। तीसरा है सुल्तान, सुल्तान का अर्थ है महान राजा या बड़ा। अगे है गिरीवान, गिरीवान का अर्थ है बुक्कल। इस तो बाद अपन करेंगे विरोधी शब्द, अकलमंद का विरोधी शब्द मूर्ख, नीवा का उच्चा, पराया का अपना, जीवना का मरना। इस तो बाद है जोड़े बनाओ, इन्हां नूं असीं मैच करना है। जंगल नूं लकड़ी, सुल्तान मन, रब सुल्तान बिरहा अते रुखी सुखी नूं चोपड़ी नाल मैच करना है। इस तो बाद लास्ट विच है वाक बनाओ। पहला है जंगल, इसका वाक है मनुख रब नूं जंगल विच लब्धा फिरदा है। अगला है रुखी सुखी, सानू रुखी सुखी खा के परमात्मा का शुक्र करना चाहिए है। अगे है अकलमंद, अकलमंद मनुख परमात्मा नूं अपने हिरदे विचों ही लभदे हन। अगे है लेख, सानू माड़े लेख नहीं लिखने चाहिए। ताए सी बेटे अपना पाठ जेतु अकल लतीफ। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना है और अपने दोस्तों नाल शेयर भी करना है ताकि वो भी इस तो फायदा उठा सकें। धन्यवाद।